शादी की शुरू शुरू में हजन कहती थी ना, तो सबने बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन उठाया इन लॉज वगैरह में से ही सबने, कि हजन नहीं कहो, बुरी बातें, वो बड़ी हैं तुम्हें अम्मी कहना चाहिए, ये वो। तो तब भी मैंने यही बात कही थी कि रिस्पेक्ट जो है दिल में होनी चाहिए, मतलब लफ्ज़ों से ज़ाहिर नहीं करनी चाहिए, इज्जत हमेशा दिल में होनी चाहिए। अगर हम अक्सर ऐसा होता है, मतलब जैसे मेरे ताए अब्बू हैं उनको ज़्यादातर लोग बाबू कहते हैं, तो मतलब बाबू एक मतलब छोटे हों बड़े हों उनके बच्चे भी सब बाबू कहते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट तो दिल में है ना, कि हम मतलब वो उनके पापा हैं उसके बावजूद उनको बाबू कहते हैं। मतलब नाम कोई भी हो, अगर आप किसी की दिल से इज्जत नहीं करेंगे तो उस नाम का भी कोई फ़ायदा नहीं है। खैर, फिर हम लोग ये तुरियाँ कटिंग करने के लिए बैठे, उसके बाद आप लोग आगे जाके देखिए ये लोग कितनी मेरे मुझसे बदतमीज़ी कर रही थी तीनों मिलकर। आप अभी आगे देखेंगे, मैंने उसकी जो है ना आवाज़ को म्यूट नहीं करा, रिकॉर्डिंग को ऑन रखा, ताकि आप लोग देखेंगे क्या क्या बोल रही थी ये तीनों मिलकर मुझे। अगर मैं आज के रूटीन की अपनी शेयर करूं तो मेरा मेन मतलब माइंड में मेरे ये था कि मैंने काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स देखे इस बात को लेकर कि मतलब डेली रूटीन ज़्यादातर वो मैं वाइफ जो है शेयर कर रही होती हैं। बहुत सारे लोगों से मैं इंस्पायर हुई थी, तो तब मैंने डेली रूटीन का व्लॉग्स बनाने स्टार्ट करे थे। तो मतलब एक एज अ हाउस वाइफ, मतलब उसके बाद जब ये मतलब जब ये वर्ड यूज़ होता है ना कि तुम करती क्या हो पूरा दिन, तो यकीन करें एक दिल में धचका सा लगता है कि हम पूरे दिन फारिक थे। हो गया, इस टॉपिक को थोड़ा मैं आगे जाके स्टार्ट करूँगी, दोबारा से कंटिन्यू करूँगी। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे मैं बना रही थी चने की दाल की, जिसे आप चने की दाल की कबूली खिचड़ी भी कहा जाता है। हम लोग तो अम्मी की तरफ वाले कबूली खिचड़ी कहते हैं, अब मुझे नहीं पता सबके हो सकते हैं कुछ वर्ड्स अलग अलग हों। तो यहाँ पे मैं बनाई थी चने की दाल की खिचड़ी, जिसे कबूली खिचड़ी भी कहा जाता है, काबुली खिचड़ी या कबूली, एनीवे जो भी कहा जाता है इसे ये कहा जाता है। तो ये बना रही थी, इसके लिए मैंने सबसे पहले चने की दाल को, हमारे यहाँ सारी दालें हमारी अपनी शॉप से आती हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था राइस एंड पल्सेस का काम है, तो इतनी ज़बरदस्त दालें वगैरह होती हैं। मैं अपनी तारीफ खुद से नहीं करी कि हमें उनको बीनना भी नहीं पड़ता, हम डायरेक्ट लेते हैं उसके बाद वॉश करते हैं और डायरेक्ट बनाने रख देते हैं, हमें दालों को अपनी घोटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया, क्योंकि मतलब ये लोग कहते हैं कि इस दालों को लाजमी वॉश कर लिया करो क्योंकि इसमें केमिकल्स होते हैं। पहले मैंने चूल्हा साफ़ करा, मैंने देखा कि मतलब गैस आ रही है, मैंने चूल्हे को बिल्कुल क्लीन करा, उसके बाद मैंने जो है मतलब मैंने बोला बॉयल करने रखूं, लेकिन फिर मैंने देखा कि चूल्हों में गैस ही नहीं आ रही, जो कि पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा मसला बन चुका है गैस ना आना। तो बड़ी मतलब हार कर मैंने सिलेंडर पर पकाना शुरू किया। सिलेंडर पर इतनी देर में खाना बनता है जिसकी कोई हद नहीं होती, जहाँ पे अपने चूल्हे पे दो मिनट का काम, वहाँ पे सिलेंडर पे पाँच मिनट, मैं मतलब चाय वगैरह रखो तो पाँच मिनट में बन रही थी, जहाँ पे अपने चूल्हों पे दो मिनट में रेडी हो रही थी। खैर, मैंने सारा काम भी सिलेंडर पे ही स्टार्ट किया। मैंने दूसरी तरफ दूसरा पतीला रखा, उसमें सरसों का तेल पकाने के लिए रखा, क्योंकि हमें तुरइयाँ भी बनानी थी। जब तक तेल पकने रखा मैंने प्याज निकाली, दोनों की प्याजें मैंने एक साथ निकाली, तुरइयों की भी और काबुली खिचड़ी की भी, भाई मैं काबुली खिचड़ी बोल रही हूँ आप लोग समझ जाइएगा। तो मैंने दोनों की प्याजें निकाल ली। तुरइयों में हमारे यहाँ थोड़ी कम दलती है, अगर अम्मी की तरफ की देखा जाए तो वहाँ पे बड़ी ज़्यादा दलती है, यहाँ पे थोड़ी सबको मीठी लगते हैं लगती है प्याज की ज़्यादा क्वांटिटी, तो यहाँ पे मैं कम ही यूज़ करती हूँ डालना प्याज को। तो दो घंटे मैंने उसके लिए ले ली थी तुरइयों के लिए, और तीन साढ़े तीन घंटियाँ जो मैंने काबुली खिचड़ी के लिए ले ली थी। तो यहाँ पे मैंने प्याज को कटिंग करना स्टार्ट करा।
तो जहाँ एक तरफ प्याज मेरी कट रही थी, वहीं पे दूसरी तरफ मेरा तेल पक रहा था और दूसरी तरफ जो है मेरी चने की दाल बॉयल हो रही थी कबूली खिचड़ी के लिए। तो मैं आपसे कह रही थी कि एज अ हाउस वाइफ, जब अक्सर लोगों को ये कहा जाता है तुम पूरा दिन करती क्या हो, मतलब जब आता हूँ तब सो रही होती हो, जब हम जाते हैं तब सो रही होती हो, तो मतलब डेली रूटीन अक्सर वाइफ्स की ये होती है कि पूरा दिन कैसे दिखा रहे होते हैं कि हम लोग पूरा दिन लम्हे को बैठ नहीं पाते, मतलब अपनी लाइफ में, क्योंकि बच्चों के काम, घर के काम, और फिर मतलब ऐसा लगता है कि हमें दो लम्हे का सुकून नहीं मिला। और जब हम मतलब हमारी माओ ने हमें शुरू से सिखाया है कि जब शौहर आए ना उस वक्त सब काम ख़त्म करके ईजीली होकर बैठे हुए हुआ करें, ये नहीं कि शौहरों के सामने उठकर काम करना शुरू कर दें कि देखो हम लोग पूरा दिन कितना लगे हुए, हम अभी भी मसरूफ़ हैं। तो मेरी तो रूटीन ये है कि जब ये आते हैं ना तो अक्सर मैं उस वक्त अपने कमरे में लेटी हुई मिलती हूँ इनको, तो ये इनका अक्सर ये कहना होता है कि यार जब मैं जाता हूँ तब तुम सो कर उठती हो के काम करी जाओ, उसके पहले की रूटीन किसी को नहीं पता होता कि कैसे बच्चों को भेजा, कब क्या किया, क्या नहीं किया, कुछ नहीं पता होता। खैर यहाँ पे मेरी प्याज भी ब्राउन, मैं तेल पक चुका था, मैंने प्याज अपनी ब्राउन करने के लिए रखी, दूसरी तरफ मेरी जो है कबूली खिचड़ी मतलब चने की दाल भी गल चुकी थी, उसके लिए उसको मैंने पतीला हटाकर मैंने चावल वाला पतीला रखा जो कि बड़ा था ताकि चावल उसमें खुलकर इजीली पक सके। मेरी अम्मी ने हमेशा मुझे सिखाया ज़्यादा बड़े से बड़े पतीले में चावल बनाओ ताकि वो खिले खिले और अच्छे पके। तो यहाँ पे मैंने पतीला रखा ताकि उसका पानी खुश्क हो जाए और फिर मैं उसके अंदर ऐड कर दूँ घी। यहाँ पे मैंने घी लिया, उसको ऐड करने से करके डोंगा निकाला, घी डाला, उसके बाद जब घी गर्म हो जाएगा मैंने प्याज लूँगी, प्याज के साथ में सारे सारे मतलब थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में गरम मसाले लूँगी क्योंकि जो है ये होती ही गरम मसाले और अदरक लहसुन की, इसकी एक सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही सिंपल सी, और आप इजीली इसको मतलब आधे घंटे में रेडी, मतलब आधे घंटे में ये डिश रेडी हो जाती है। और अगर आप इसको चटनी के साथ सर्व करें जो कि मैं इसकी रेसिपी आप लोगों को बताऊँगी, तो यकीन करें बहुत ही मज़ेदार खाना किसी के लिए भी आधे घंटे में आप रेडी कर सकती हैं। तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा सारा गरम मसाला, यार मेरी आवाज़ बैठने लग गई, यहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा गरम मसाला निकाला, ज़ीरे की क्वांटिटी थोड़ी डबल रखी थी क्योंकि ज़ीरा मुझे पसंद है इसलिए मैं थोड़ा ज़ीरा ज़्यादा ही लेती हूँ, एक ज़ीरा और हल्दी मेरी फेवरेट है लेकिन इसमें हल्दी नहीं डलती। यहाँ पे मैं साइड में प्याज को भी चलाती जा रही थी क्योंकि प्याज को जलना भी नहीं चाहिए, मतलब ऐसी होनी चाहिए लाइट गुलाब गोल्डन ब्राउन, मतलब गुलाबी गुलाबी सी जो कहते हैं ना वैसी प्याज होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दूसरी तरफ प्याज और गरम मसाला भी ऐड कर दिया था, एक तरफ मेरी तुरइयों की तैयारी हो रही थी और दूसरी तरफ मेरी कबूली खिचड़ी की तैयारी हो रही थी। यहाँ पर जब प्याज गुलाबी हो गई थी तो मैंने उसमें तुरइयाँ ऐड कर दी, तुरइयों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, उसके बाद कस लिया ताकि प्याज जो नीचे वो आके तपिश लग लग कर जलना ना शुरू हो जाए, मैंने प्याज को अच्छे से उसके अंदर तुरइयों में मिक्स कर लिया। और दूसरी तरफ दूसरा चमचा निकाला कबूली खिचड़ी के लिए, एक चमचा आप दोनों खानों में यूज़ नहीं किया करें, ये मेरी अम्मी कहती हैं, अम्मी कहती हैं इसका अगर मेरी अम्मी के सामने हम एक चमचे से ही दो खानों को चला देना, अम्मी इतनी सुनाती हैं कि बस, अम्मी कहती हैं अलग अलग ही लो चमचे, तो मैंने उनकी बात को ही फॉलो करते हुए अलग अलग चमचे लिए। उसके बाद कबूली खिचड़ी के लिए नहीं सॉरी तुरइयों के लिए मैंने मसाला निकाला, नमक डाला मैंने सबसे पहले, उसके बाद मैंने कुटी हुई मिर्चें डाली वो थोड़ी क्वांटिटी में डाली, उसके बाद क्योंकि कुटी मिर्चों में कम डालती हूँ हरी मिर्चें मैं ज़्यादा ऐड करती हूँ, इसमें कुछ नहीं डालना मैं होता तुरइयों में, सिर्फ प्याज को लाइट गोल्डन कर कर उसके बाद तुरइयों को ऐड कर दो और फिर जो है ना कुटी मिर्च और नमक डाल दो। दूसरी तरफ मैंने जब तक वो प्याज ब्राउन हो रही थी कबूली खिचड़ी के लिए वहाँ पे मैंने चावल ऐड कर लिए। यहाँ पे मैं बना रही हूँ 2.25 किलो की कबूली खिचड़ी क्योंकि मैंने आपको बताया था दुकान भी खाना जाना होता है और घर के लिए भी आधा रुकना होता है, आधा दुकान चला जाता है और इस वजह से भी हम लोग ज़्यादा खाना बनाते हैं क्योंकि जो हम लोग खाना भेजते हैं वहाँ पे दुकान पे मशरे से जितने भी मज़दूर वगैरह सब होते हैं ये लोग सब एक साथ, मतलब हमारे हस्बैंड वगैरह मज़दूर ये लोग सब एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि सब एक ही प्लेट में खा रहे होते हैं, कोई हम लोग ऐसा फ़र्क नहीं करते कि वो लोग मज़दूर हैं या ये हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, तो ये आप लोग भी ऐसा ही किया करें, किसी में फ़र्क नहीं समझना चाहिए।
तो इधर मेरी प्याज थोड़ी सी डार्क ब्राउन हो गई थी, मुझे डर लग रहा था चावलों में कलर ना आ जाए, क्योंकि चावल जब भी बनाए प्याज थोड़ी लाइट ही हो तो ज़्यादा सेट रहता है। इधर मेरी तुरइयों ने भी पानी छोड़ दिया था, मैं इसको कस रही थी अच्छे से, मतलब मैं इसको इसका पानी खुश करना था, क्योंकि इधर मैंने प्याज में अदरक लहसुन ऐड कर दिया था कबूली खिचड़ी के, मैंने 4 से 5 चमचे ज़्यादा ऐड करे थे, क्योंकि ये अदरक लहसुन और गरम मसाले की ही बनती है, इसमें कोई मिर्च कोई कुछ ऐड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ प्याज गरम मसाला और अदरक लहसुन और नमक ऐड होता है, जो जिसकी इतनी मज़ेदार जो है कबूली खिचड़ी बनती है। इधर मैंने तुरइयों के लिए हरी मिर्चें ले ली थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कुटी मिर्चों और सिर्फ हरी मिर्चें और नमक की, ये नमक की बनती हैं तुरइयाँ। अगर आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो यकीन करें इतनी मज़ेदार बनेगी कि आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। यहाँ पे मैंने हरी मिर्चों को बारीक बारीक कटिंग कर लिया। तो ये हरी मिर्चें मैंने ऐड कर दी थी तुरइयों में, और जब अदरक लहसुन प्याज कबूली खिचड़ी के लिए जब वो अदरक लहसुन की हीक निकल चुकी थी, यहाँ पे मैंने चने की दाल जो मैंने बॉईल करी थी वो मैंने ऐड कर दी थी, और उसको 2 मिनट के लिए, मतलब 2 से 4-5 मिनट के लिए मैंने उसको गलने मतलब कसने के लिए छोड़ दिया था। इधर अब तुरइयों की शक्ल देखिए, यहाँ पर अभी भी पानी इसका ख़त्म नहीं हो रहा था, क्योंकि तुरइयाँ काफ़ी ज़्यादा मतलब धोने के बाद का पानी छोड़ी होती हैं, तो इसको आप फुल आंच पर ही पकाएं तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरी तरफ मैं आप लोगों को दिखाती जा रही थी, ये सुबह का व्यू था, मेरी सास यहाँ पे बैठी हुई थी और सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे, इस्त्री हो रही थी, और जब यहाँ पर चने की दाल उबल चुकी थी मतलब पानी में उबाल आ गया था, तो मैंने जो यहाँ पर चावल डाल दिए, चावलों को बहुत ही आप आराम से चलाए करें ताकि वो टूटे नहीं, और ये हमारे अपने शॉप का चावल था जो कि बहुत ही ज़बरदस्त चावल था, इस चावल का नाम बुलबुल है, और ये एक मतलब इतना लंबा चावल होता है, मैं अपने चावल की खुद से तारीफ़ इसलिए कर रही हूँ कि जब से मेरी शादी हुई है हमारे घर भी वही चावल जाता है, मतलब ज़्यादातर चावल सबके यहाँ पर यही जाने लगा, क्योंकि ये चावल ही बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं तो आप लोग जो है हमारी शॉप से चावल बाय कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छे चावल है, फर्स्ट ट्राई करें उसके बाद आप लोग रिव्यू दें। तो दूसरी तरफ मेरी जो भाभी थी वो जो है काशी भाई के लिए नाश्ते की तैयारी करी थी, यहाँ पे पानी खुश्क हो चुका था, अब चावल देखें, जो मुझे डर था कि प्याज का कलर ना आ जाए, अलग अलग शुगर था, प्याज ने कलर नहीं छोड़ा था, और ये कितने खिले खिले चावल बने अभी देखें, और कितने लंबे चावल बने बिना टूटे, और ये आप लोगों को करीब से दिखा रही हूँ, अभी कच्चे हैं उसके बावजूद इतने बड़े हुए हैं, जब इनको मैं दम दूंगी उसके बाद ही कितने बड़े हो जाएंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं नंबर भी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग अगर चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर भी जो है मेंशन कर दूंगी, कि मतलब कि चावल आप लोग उस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छे होलसेल रेट में आप लोग को मिल जाएंगे। तो दूसरी तरफ मैं काबुली पुलाव के लिए चटनी की तैयारी कर रही थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने लहसुन और साबुत लाल मिर्च और नमक ऐड किया था। यकीन करें आप इसकी चटनी बनाएं, आप उंगलियां ना चाटें तो बोलिएगा, इतना मज़ेदार किस्म का ये जो एक की चटनी ये कह रहे हैं कल से मैं तो शॉप चलना था इतनी मज़ेदार किस्म की चटनी बनेगी केवल। दूसरी तरफ मुझे पता चला ये उठ चुके हैं, तो मैंने इधर इनकी चाय भी रख दी थी, इनकी और अपनी, क्योंकि हम लोग पहले सुबह ही सुबह खाना वाना बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद हम लोग नाश्ता करने के लिए बैठते हैं। इधर सब बच्चे नाश्ता कर रहे थे, क्योंकि स्कूल की छुट्टी थी, सैटरडे था, मेरे बच्चे भी स्कूल नहीं गए थे क्योंकि पेपर्स ख़त्म हो चुके थे। सैटरडे अगर इन लोगों की कभी इन लोगों की क्लासेस होती हैं ऐसे क्लासेस, तो ये लोग जाते हैं, और कभी ऑफ होते हैं, तो मैंने टिफिन वगैरह पैक करने का व्लॉग नहीं बना पाई थी, क्योंकि मेरा थोड़ा इनसे एवं अनबन हो गई थी, कह रहे थे अभी तक तुमने चाय नहीं रेडी करी। इनका कहना ये होता है कि चाय टेबल पे हो जब मैं आऊँ, और मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी सिर्फ और सिर्फ व्लॉग के चक्कर में, जिसकी वजह से ये थोड़ा मुझसे गुस्सा हो गया, तो बिना नाश्ते के चले गए थे, तो मैं आगे का व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। खैर
ये मेरी स्टार्ट हुई फिर दोपहर की रूटीन। बच्चों को मैंने नाश्ता वगैरह सब करवा दिया था, तो ये स्टार्ट हुई थी। सबूर को नाश्ता वगैरह करवा कर मैं मदरसे के लिए रेडी कर रही थी, सफ़ान भी रेडी हो गया था। और ये 2:15 का टाइम था, 2:30 बज रहे थे, मतलब 2:30 बजे तक ही सबूर जाता है मदरसे। ये मेरी भाभी, मैं बोल रही थी देखो इधर नहीं आना, और ये जान के आ गए, तो मैंने कहा मुँह छुपा दिया ताकि ये रिकॉर्ड ना हो क्योंकि फिर होता है मैं आ गई ये वो। तो फिर सबूर को जल्दी से मैंने वाटर बॉटल दी, इसको शूज़ वगैरह निकाल के दिए कि जल्दी रहो, मुझे इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा होता है। और सबूर बार बार लौट कर रहता है, मम्मा मेरा ये रह गया, मम्मा मेरा वो रह गया। तो मैं जल्दी, मेरी यही कोशिश होती है मैं इसको जल्दी जल्दी अपने हाथ से सारी चीज़ दूँ और जल्दी से बस निकाल दूँ मदरसे के लिए, क्योंकि इसके जाने के बाद मुझे फिर दोनों को देखना होता है, सबूर और एजल को, जो कि बहुत उधम मचा के रखते हैं। सबूर फिर से वापस आ गया था कि मुझे एजल को प्यार करना और फिर मैं जाऊँगा। तो ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है कि वो अपनी बहन को लाजमी प्यार करके फिर घर से निकलते हैं दोनों भाई। खैर ये हमारी छत है और यहाँ पे बच्चे जो है खेल रहे थे। उसके बाद मैं कमरे में आई, कमरे को समेटा। आज मैंने व्लॉग में अपना बिखरा हुआ कमरा नहीं दिखाया था, क्योंकि जो उस लड़की ने कमेंट कर दिया था ना, तो मुझे थोड़ा सा ना मैं डिसअपॉइंट हो गई थी कि कमरा भी साफ़ कर लिया करो ये वो। तो आप देख सकती हैं मेरा कमरा एनी टाइम साफ़ रहता है। स्पेशली ऐसा होता है, मैं व्लॉग सुबह के वक्त बना रही होती हूँ, तो ज़ाहिर है सुबह कोई सुबह ही सुबह तो नहार मुँह तो समेट ही नहीं लेता, क्योंकि हमें नीचे जाके जॉइंट फैमिली हमें किचन वगैरह सब कुछ देख रहे हो, तो उसके बाद हम अपने काम कर रहे होते हैं। पहले हमें दूसरों के काम को ख़त्म करना होता है, उसके बाद हम अपनी कामों में अपने रूम में अपने काम आके कर रहे होते हैं। तो मैंने कमरा सब कुछ सिमट चुका था और मैं ऊपर आके कपड़े इस्त्री होकर आए थे, तो मैं उनको जगह जगह अपनी उनकी जगहों पे रख रही थी, बच्चों की अलमारियों में रख रही थी। मैंने डिवाइडर को भी अलमारी बनाया हुआ, क्योंकि मेरे रूम में इतनी जगह नहीं है, जबकि मैंने अलमारियाँ ली हुई थी। उसके बाद फिर मैंने रूम से निकाल दी थी क्योंकि जगह नहीं बचती थी चलने की भी। यार मेरे गला बहुत दुख रहा है व्लॉग बनाते हैं, और अब कुछ लोग ये भी कमेंट आएंगे, पहले जो है प्लीज़ अपना गला तो ठीक कर लें फिर व्लॉग रिकॉर्ड किया करें। यार ये सैटरडे का व्लॉग बना हुआ है और आज ट्यूसडे है, कल वेडनेसडे लग जाएगा शायद मैं अपलोड करूँ तब, तो इतने दिन में तो जाहिर सी बात है अपलोड करूँगी ना। अभी भी अब मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी तो कब करूँगी बताओ मुझे। जब मैंने सब कुछ कमरा समेट लिया था, सफ़ान साहब ने पूरी चीज़ों को शॉपर फिर बेड पे फेंक दिया और सब कचरा पापड़, किसी ने पापड़ की शॉपर खोल के डाली हुई थी, तो फिर जो है बेड पे कबाड़ा हो गया था। ऐसा लगता है अभी काम को समेटो और दूसरे बच्चे फिर फैला रहे होते हैं, नहीं होता मुर्गी के बच्चे, एक को पकड़ो दूसरे इधर से भाग गया, दूसरे को बच्चा तीसरा भाग गया। माशाल्लाह माशाल्लाह से बस अल्लाह नजरे बस से बचाए मेरे बच्चों को, लेकिन यकीन करें तूफ़ान के भी तूफ़ान है, आग रही है, मैं मिनट नहीं बैठ पाती। ये व्लॉग मैंने जिस मुश्किल से रिकॉर्ड करा है ना, मैं जानती हूँ, इसी चक्कर में दोनों, खैर पता नहीं क्या कह रही थी मैं, ये आ गए तो मुझे स्टॉप करना पड़ा फिर से। अब मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठी हूँ, तो मतलब बस मैं इतना कह रही थी कि वाकई माशाल्लाह से, माशाल्लाह कहूँ या नहीं कहूँ, मेरे बच्चे बहुत तंग करते हैं, बहुत 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 ज़्यादा शरारती हैं। तो यहाँ पे मैं कमरा में समेट रही थी, फिर से कमरा समेट चुका था, उसके बावजूद बार बार फैलाए जा रहे थे, तो मैं मुझे किरकिराहट महसूस हो रही होती है, तो जब तक मतलब चीज़ें हट ना जाए मुझे सुकून नहीं मिलता। फिर मैं दोबारा से नीचे आ गई थी रात के खाने की तैयारी करने के लिए। अब आप लोग बोलेंगे कि पूरा दिन मतलब खाना ही पकाती नहीं, तो जी अलग अलग शुक्र है हमारे यहाँ दोनों टाइम अलग अलग खाना बनता है, 3 से 4 डिशेज़ डेली की बननी होती हैं। तो आज खाना मैंने बनाना था, रोटियाँ आज मैंने नहीं बनानी थी, तो हम लोगों ने ना ऐसे डिसाइड किया हुआ है कि आज हम लोग ये कर लेंगे, दूसरा बंदा ये कर लेगा, तीसरा बंदा ये कर लेगा। क्योंकि अगर पहले हम लोग ना चारों सब कुछ मिलकर करते थे ना, तो चारों एक साथ थक जाते थे कि चारों को एक साथ ही बैठना होता था। अब ये होता है अगर हम लोगों ने अपने लिए ये बना लिया ना, एक ये कर लेगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो जो है अब मतलब एक ही कर रहा होता है, तो दूसरा अगर दूसरे को ये नहीं करना, तो उस वक्त वो रेस्ट कर रहा होता है या अपना दूसरा काम निपटा रहा होता है, अपने बच्चों को देख रहा होता है, तो ऐसे हमारे लिए ईजी रहता है। तो अभी मुझे रात का खाना मुझे नहीं बनाना था, सबा ने बनाना था, लेकिन उसकी तबीयत सही नहीं थी, तो मतलब जॉइंट फैमिली का मतलब ही यही होता है कि अगर एक की तबीयत सही नहीं है तो दूसरा कर ले, दूसरे की सही नहीं है तो तीसरा कर ले। मतलब जॉइंट फैमिली के में रहने का अगर कोई एक दूसरे का एहसास नहीं करेगा तो मतलब भी नहीं बनता कोई। वो लेकिन खड़ी हो गई थी मुर्गी आधी, उसी ने धो ली थी सबा ने, लेकिन फिर मैंने उसको ज़बरदस्ती हटाया कि नहीं तुम हट जाओ,
मैं बना रही हूँ, तुम हट जाओ। तो यहाँ पे मैं रात की तैयारी करना स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे हम लोग बना रहे थे रात को वाइट कढ़ाई। इसकी रेसिपी अगर मैं शेयर करूँ तो ये भी बहुत ही ईजी में ईजीली मैंने बनाई थी। मैंने पहले मुर्गी को धो के रखा, उसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ हरी मिर्चें और अदरक लहसुन को मैंने ग्लेंडर कर लिया। सिर्फ और सिर्फ हरी मिर्चें, अदरक लहसुन और नमक और बाज़ार का पैकेट डलकर, हाँ बाज़ार का रुको, मैंने पहले हरी मिर्चें और अदरक लहसुन को ग्लेंडर कर लिया। उसके बाद वो अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का जो पेस्ट बन गया था वो मैंने जो चिकन में ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने नमक और जो पूरा एक पैकेट था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। मैंने 2 किलो मुर्गी ली थी उसमें मैंने एक पैकेट लिया था। और मैं दही, मैंने आपको बताया था हम लोग घर में ही जमाते हैं, तो ये मैं कटोरे में दही निकाल के लाई थी। समझ ये 1/2 किलो के करीब दही होगा। तो 2 किलो चिकन में एक पैकेट और 1/2 किलो दही मैंने ऐड करा था। और हरी मिर्चें तो आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं कि आपको कितनी लेनी है। इसमें कोई गरम मसाले, पिसी मिर्चें, धनिया, हल्दी, कोई कुछ नहीं ऐड होता। सिर्फ और सिर्फ हरी मिर्चें, अदरक लहसुन और क्या कहते हैं दही और लीमू और नमक को मैंने मिक्स करके मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। बस इसको मैरिनेट बहुत अच्छे से करिएगा। मैंने कहा चलो मैं इसमें कट लगा देती हूँ ताकि अंदर तक जज्ब हो जाए, लेकिन जो है मतलब अच्छे से आप इसमें कट वगैरह लगा दें, मतलब रानों पे ही लगेंगे, बोटियों पे तो नहीं लगेंगे। तो मैंने इसको अच्छे से जज्ब कर लिया। यहाँ पे मैंने पूरा 1 लीमू नहीं छोड़ा है, 1 से 1.5 लीमू, तो उसको ताकि इसका ना टेस्ट ज़्यादा अच्छा आ जाता है वाइट कढ़ाई का। मैंने ये मैरिनेट करने कर 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने दूसरी तरफ पतीला रखा था, तो फिर हमारी गैस भी आ गई थी दोपहर तक। तो आप ये देख सकते हैं पूरी वाइट है, इसके अंदर कोई मसाला ऐड नहीं हुआ, सिर्फ हरी मिर्ची, अदरक लहसुन और दही और लीमू ऐड किया गया। अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा रही हूँ कितना मतलब दही की वजह से क्रीमी हो रहा है। और दूसरी तरफ मैंने घी डाला पतीले में ताकि ये गर्म हो जाए। मैरिनेट जब तक हो रहा था, मतलब मैरिनेट मैंने कम टाइम के लिए रखा था, क्योंकि अगर मैं 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने रखती तो मुझे फिर रिलैक्स का टाइम नहीं मिलता। पूरा टाइम मेरे दिमाग में यही चलता रहता कि दोबारा से किचन में जाना है। तो मैंने 1.5 घंटे इसको मैरिनेट करा था, अभी दूसरी तरफ पतीला रख दिया था और मैं अपनी जिठानी से बातें करते हुए काम कर रही थी। तो मुझे नहीं पता था कि आप देखें तो ये फ्रिज के शीशे में वो दिख रही होगी आपको, तो वो सामने बैठी हुई थी और मुझसे बात करती जा रही थी। यहाँ पे घी जो है अच्छे से पक चुका था। उसके बाद मैंने चिकन ली, किचन को भी मैं साथ साथ समेटती जा रही थी ताकि जो है मतलब फैला हुआ नहीं लगे। अगर आप साथ साथ नहीं समेटेंगे, अगर 2 मिनट लगा कर आप साथ साथ समेटते जाएं तो आपको बाद में किचन को ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे जब घी गर्म हुआ तो हमने डायरेक्ट इसमें सारी चिकन उसके अंदर डाल दी और उसके बाद कसने को छोड़ दिया। गैस हमारे पाकिस्तान में इतनी स्लो आ रही थी तो क्या गली मतलब उबाल आ ही नहीं रहा था, पानी खुश्क ही नहीं हो रहा था दही का। तो फिर मैंने तंग आकर यहाँ से ट्रांसफ़र करके फिर से सिलेंडर पर ही पकाना शुरू किया, जबकि मैंने इसको ढक भी दिया था ताकि जल्दी गल जाए, लेकिन ये मतलब पानी इसका खुश्क नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ मैंने इसकी गार्निशिंग की चीज़ें ले ली थी, मोटी हरी मिर्चें। जब तक मैंने बोला पानी खुश्क हो रहा है उसका, मैं दूसरी तरफ मोटी हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक ले लिया था, जो कि मैंने आप ये देखेंगे पहले मैं बाद में आगे बताऊँगी। तो ये मैंने सारी चीज़ें ले ली थी, इसको कटिंग कर रही थी। हरे धनिए को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, हरी मिर्ची भी धो ली थी और अदरक को भी मैंने छील कर अच्छे से वॉश कर लिया था। मैं अदरक जो है कि कैंची से कटिंग करती हूँ, ये मेरी जिठानी ने मुझे सिखाया है। पहले मैं इसको चिप्सों की तरह से आलू के कतलों को नहीं गोल गोल काट लेते या लंबाई में जिस तरफ उसके मतलब धागे होते हैं यार, मतलब वो जो होती है ना जो आरी होती है, मतलब पता नहीं क्या बोलती है सब उसको, धारियाँ पता नहीं क्या जो आ रहे होते ना बाल अदरक है, तो उस शेप में उसको काट लें अदरक। उसके बाद कैंची से कटिंग कर दें बारीक बारीक चिप्सों की तरह, यहाँ पे मतलब बारीक बारीक कटिंग कर लें इजीली, तो इजीली आपका कटिंग हो जाता है। दूसरी तरफ मैं चिकन को भी चलाती रहती थी ताकि लगे ना, लेकिन पानी मजाले जो खुश्क हो जाए, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया कटिंग करके ऐड किया है पतीले में ताकि थोड़ा हरे धनिए का जायका जो है चिकन में बस जाए तो वो बहुत मज़ेदार बने। Thank you.
तो यहाँ पे चिकन बिल्कुल कस चुकी थी, मतलब रोगन छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड करी एक पूरी डेढ़, अगर मैंने 2 किलो चिकन ली थी तो मैंने एक पूरा पैकेट जो है मैंने इसमें क्रीम का ऐड करा था, क्योंकि ये जो होती है ये इसमें क्रीम लाजमी ऐड होती है। हाँ, मतलब अगर आप जो है इसकी मोबाइल में रेसिपी देखी, शायद उसमें हो या नहीं मेरे जहन में नहीं, तो जो मैंने गार्निशिंग की चीज़ें ली थी मैंने इसमें ऐड क्रीम ऐड करने के बाद 2 मिनट दम पे छोड़ा था। उसके बाद गार्निशिंग की चीज़ों को अलग ही रखा था, क्योंकि मोटी हरी मिर्चों को उसमें जायका नहीं है, और जब जब प्लेट में कोई निकाल रहा था वो गार्निशिंग की चीज़ें ऐड कर फिर सबको सर्व किया जा रहा था। तो देखें कितनी जल्दी ये रेसिपी भी आप आधे घंटे में इजीली तैयार कर सकते हैं। बस ये फ़र्क ये है कि चिकन कितनी जल्दी गल सकती है आपकी, उतनी जल्दी गलेगी, मतलब बिल्कुल आपका रेडी हो जाएगा। और ये बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आप बना सकते हैं। आप इसकी डेकोरेशन देखें, सिर्फ हरा धनिया अदरक और मोटी हरी मिर्चों से मैंने इसको डेकोर किया है, और ये चिकन हमारी रेडी थी जो कि बहुत ही मज़ेदार बहुत ही लजीज बनी थी। दूसरी तरफ मैंने आप लोगों से कहा हूँ तो मतलब रात का खाना हमारा रेडी हो चुका था, यहाँ पे हम फिर मैं बैठी थी दोपहर का डिनर मतलब लंच करने के लिए। ये लहसुन मिर्च की चटनी, दही जो कि मैंने आपको बताया था हम लोग खुद जमाते हैं घर में, और ये तुरइयाँ, हम लोग खाना वाना खा के फारिग हुए। उसके बाद फिर मैंने बच्चों का खाना लिया, कुर्सियों को सही से अरेंज करा, मैंने अपनी जिठानी को बोल दिया प्लीज़ साइड हो जाओ, मैंने व्लॉग ऐड करना है। तो उसके बाद सारी कुर्सियों को मैंने साइड में किया। अब आप लोग ये नहीं बोलिएगा कि सारा काम क्या आप ही करती हैं, नहीं हम सब मिलकर ही करते हैं। मतलब आज के दिन मैंने ये सारा काम करना था, रात का खाना जिसमें ऐड नहीं था, रात का खाना मेरी जिठानी की तबीयत सही नहीं थी इसलिए मैंने उसको हटा दिया था, मैंने बोला था मैं खुद ही बना दूँगी तुम रेस्ट करो। तो उसके बाद अब मैं ऊपर बच्चों का खाना लेकर जा रही थी, ये मेरी जिठानी ही व्लॉग ऐड कर रही हैं मतलब रिकॉर्ड कर रही हैं। तो यहाँ पे मैं अपने रूम में आ चुकी थी, यहाँ पे मैंने सबूर के मदरसे के कपड़े चेंज करे, जल्दी से उसको दूसरे कपड़े पहनाए, और आज सैटरडे था तो बच्चे ट्यूशन भी नहीं गए थे क्योंकि जुम्मे वाले दिन पेपर ख़त्म हुए थे, तो सैटरडे मैंने ऑफ करवा दिया था, स्कूल तो गए नहीं थे तो मैंने ट्यूशन भी ऑफ करवा दिया था। यहाँ पर कपड़े चेंज करे, उसके बाद चीज़ें जगहों पे रखी, बाहर आई, बच्चों की ट्रेन निकाली, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ट्रे हैं सारी, मतलब अलग अलग बने हुए, मैंने लियाकताबाद से ही ली थी बच्चों के लिए, दोनों के लिए सबूर सफ़ान दोनों के लिए अलग अलग ली थी। इसमें मैं अपने बच्चों को घर के खानों पे ज़्यादा रखती हूँ क्योंकि, और मेरे बच्चे घर के खाने ही खाते हैं, फास्ट फूड्स वगैरह ज़्यादा इंजॉय नहीं करते ना बर्गर। मेरी जिठानी ना मेरी साइड से देख के हंस रही है, सभा जिसका मैं जिक्र कर रही थी कि वो थक गई थी, उस थोड़ी उसकी तबीयत सही नहीं थी तो मैंने कुक किया था, सिर्फ आपको वो मुझे देख के हंस रही है दूर से। तो मैंने तुरइयाँ उन लोगों के लिए मैंने सर्व करी, वेजिटेबल्स हो या कोई कुछ भी चीज़ हो मैं उनको देती हूँ एक्सेप्ट फ्रूट के, मेरे बच्चे फ्रूट नहीं खाते, मैंने बहुत कोशिश करती हूँ फ्रूट्स नहीं लेते, मेरी कोशिश होती मैं जूसेस के ज़रिए भी देती हूँ तो वो उल्टी कर देते, उन्हें अच्छे ही नहीं लगते फ्रूट। तो यहाँ पर मैंने दोनों को अलग अलग तुरइयाँ डाली प्लेट्स में, और रोटियों के टुकड़े अलग अलग कर दिए, मतलब बाइट्स के मुताबिक एक बाइट उठाएं उसमें लगाएं और खा लें। यहाँ पे इनकी मैंने छोटी सी डाइनिंग टेबल रखी हुई है जिसे डाइनिंग टेबल भी है, और यहाँ पे बैठ के लोग काम भी कर लेते हैं तो बड़ा सुकून रहता है। अब मैंने मतलब ये मैं सबूर जब छोटा था तब रूबा ने उसको गिफ्ट करी थी उसकी बर्थडे पर, तो अब ये बड़े हुए हैं तो अब मैंने इनको निकाल के दिए ताकि ये लोग काम कर सकें, क्योंकि पहले बच्चे थे तो पता ही क्या करते थे, नीचे के जितने भी उसके डंडे हैं पाइप्स हैं वो सब निकाल के एक साथ जो डंडा बना लेते थे, और उसके बाद वो गिराते थे तोड़ते थे फेंकते थे, मैंने उस वक्त ये उठा के रख दी थी। तो ये अब मैंने निकाली तो अब ये थोड़े समझदार हुए तो बैठ के इस पर अपना होमवर्क भी करते हैं, मतलब डिनर भी करते हैं लंच भी करते हैं, तो बहुत अच्छे से रहते हैं। यहाँ पे मैं बीच बीच में इन लोगों को टोकती जा रही थी प्लीज़ खा लो प्लीज़ खा लो, मैं इन लोगों को ट्रेन कर रही हूँ ताकि ये लोग खुद से खाना पीना सीखें, क्योंकि अब तक अभी भी मैं इन लोगों को अपने हाथ से खिलाऊंगी तो ये खुद से खाना नहीं सीखेंगे, लेकिन फिर भी बहुत तंग कर रहे होते हैं, बार बार मुझे आके बोलना पड़ रहा था कि प्लीज़ खा लो प्लीज़ खा लो। यहाँ पे मैं हेज़ल के लिए भी केला जो है मैश करके ले आई थी,
क्योंकि एजल जो है मेरी एजल की तबीयत सही नहीं थी, तो वो कुछ भी चीज़ खा नहीं रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं केला मैश करके खिला दूँ ज़बरदस्ती सही, क्योंकि लिक्विड होगा तो मतलब मैश कर दूँगी तो वो बिल्कुल ही एक मिक्सचर बन जाएगा और मैं उसको ईजीली खिला दूँगी। और केले इतने ढीठ किस्म के आए थे, थोड़े अंदर से कच्चे थे, तो वो मैश ही नहीं होते, मैं लगी हुई थी मुस्तकिल उसको कि ये पीसना है, तो मैं थके जा रही थी, मेरा हाथ दुख जा रहा था। तो यहाँ पे मैंने बाहर में फॉक देखने गई, लेकिन ऊपर जो है फॉक नहीं रखा हुआ था, मुझे नीचे ही जाना पड़ता, तो फिर मैंने अवॉइड किया, मैंने कहा हीरा प्लीज़ इसी से ही काम चला लो। तो मैंने फिर स्टार्ट किया, मैंने फिर से इसी को ही मैश करना शुरू करा। तो यहाँ पर जो है केला मैंने फिर से मैश करना शुरू कर दिया था, और फाइनली ये मैश हो चुका था। और मतलब मैं बिल्कुल पेस्ट बनाना चाह रही थी ताकि जो है उसके अलग से उतर जाए, क्योंकि वो कुछ भी नहीं ले रही थी, उसको बहुत ही फीवर हो रहा था, और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या दूँ, खिचड़ी भी नहीं खा रही थी, गले में अटकाए जा रही थी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से एक जिक्र कर रही थी कि एज़ अ हाउस वाइफ हम करते ही क्या हैं। तो आपने पूरा दिन देखा होगा हम लोग लम्हे को बैठ ही नहीं पाते, और जब ये सुनने को मिले तो एक दिल को इतनी तकलीफ़ होती है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो मतलब ये लोग, उन लोगों को पता भी होता है कि वाकई हम लोग बड़े थक जाते हैं, अगर एक दिन इन बच्चों को इनके सरों पे छोड़ दिया जाए तो एक दिन भी क्या, दो घंटे ये लोग अकेले बर्दाश्त नहीं कर पाते फादर्स। तो और ये लोग कहते हैं कि तुम लोगों ने करा क्या पूरा दिन में, कुछ भी नहीं, सिर्फ बच्चे ही तो पाल रहे हो, घर में खाना ही तो बना रहे हो। तो अगर ये हमारी रूटीन में, हम लोग तो इन लोगों का एहसास करते हैं कि शॉप से आए थक गए होगे, चलो ये कर लो वो कर लो, बैठे बैठे इन लोगों को पानी भी हाथ में दे रहे होते हैं, अगर इसी तरीके से ये लोग भी हमारे इसी तरीके से हमारा एहसास करें, हमारी बात को रियलाइज़ करें, अगर दो वर्ड्स ही कह दें कि यार हाँ थक गई होगी ना, चलो ये बताओ आज पूरा दिन क्या किया, तो यकीन करें ऐसा लगेगा कि दिल को सुकून, हम जितनी भी औरत थकी हुई हो वो थोड़ी सी मुस्कुरा जाएगी, थोड़ी थक सारी थकन दूर हो जाएगी कि इन लोगों ने पूछ लिया हमें कि आज थक गई होगी, चलो बैठ जाओ, चलो कुछ देर बातें कर लें। अगर ये लम्हे ही मिल जाएँ तो एक हाउस वाइफ बहुत ही मतलब हंसी खुशी जो ये काम थोड़ी फ्रस्ट्रेशन से कर रही होती है, क्योंकि वो ये किसी को नहीं कह रही होती मैं थक गई हूँ, भले रात के 3 बज रहे हों 2 बज रहे हों उसे ये सब करना ही करना है, क्योंकि पूरा दिन तो रूटीन सामने होती है, रात की रूटीन भी बहुत टफ होती है, जो कि अगर जो मदर फीडिंग पर होंगी उनको पता होगा पूरी रात वो किस तरीके से जाग रही होती है, उनके बच्चे किस तरीके से उनको डील कर रहे होते हैं, पूरी रात उनको होता है और फिर कमर में पेन, लेकिन हम सुबह ये जाहिर नहीं कर रहे होते कि हमें पेन हो रहा है, और मतलब ये हम बोल भी नहीं पा रहे होते जेंट्स, तो मतलब खुराटे लेके सो रहे होते, उनको नहीं पता होता हम रात में हम लोगों ने क्या क्या किया, और इन लोगों के उठने से पहले हम क्या सब कर रहे होते हैं कि बच्चों को स्कूल भेजना, और मतलब कि स्कूल भेजना और लोग का टिफिन बनाना, और ये लोग अगर ये कह दें ना काम है तुम्हारा, तो यकीन करो बड़ा दुख होता है। और अगर ये कह दें कि जो है ना हाँ ये तुम करती हो, सिर्फ जरिए से अप्रिशिएट कर दें, तो कितना दिल खुश हो जाए, और हम आगे से आगे बढ़कर हर चीज़ करें सिर्फ एक दो लफ्ज़ों की अप्रिसिएशन से। तो बस मेरा कहने का मतलब था कि हम लोग भी बहुत कुछ करते हैं, जो कि एक हाउसवाइफ का मतलब होता है ऑल इन वन, मतलब सब कामों को एक अकेले करने वाले, मतलब अगर हमारे घर में मेड्स भी हो ना तो अगर हम जब तक उनको गाइड नहीं करेंगे ना वो काम को कर नहीं सकते, उनको बताना भी उनको करना भी उनके साथ लगना भी पड़ता है, तो लगने के साथ साथ मतलब भाई ये होता है कि हम बंदा इतनी बता रहे हैं इतनी देर में इंसान खुद कर लेता है, लेकिन फिर भी नीड होती है। तो इधर हो गई थी मगरिब की अजान, मैंने आप लोगों को टाइम भी दिखाया होगा, मतलब सुबह समझे 9:30 बजे ये मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था कुकिंग से, तो अब तक मैं लेटी बैठी नहीं थी, ये मगरिब हो गई थी, मगरिब की नमाज़ अदा करी और फिर मैंने अपने बालों में मतलब मैं नहा कर आ गई थी, चेंज कर लिया था मैंने, जैसा कि बताया था मैं नहाने के बाद अपने बालों में 2 बूंद ऑयल ज़रूर लगाती हूँ, आप कोई सा भी ऑयल ले लें, वो आप मस्टर्ड ऑयल ले लें, कोकोनट ऑयल ले लें, लेकिन इस वक्त मैंने जो लिया था वो मैंने एक दूसरा ऑयल लिया था जो कि बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल है, मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा, तो देखूंगी फिर मैं बताऊंगी कौन सा ऑयल था, आजकल मैं वो यूज़ कर रही हूँ, बहुत तो बाल बहुत ही स्मूथ हो जाते हैं, नहाने के बाद मैं वो जड़ों में 2-3 या 4 ड्रॉप्स में लगा लेती हूँ, बालों की लेंथ पर डिपेंड करता है कि वो कितनी है,
यहाँ पे मेरी पूरी कोशिश हो रही है कि अब मगरिब की अजान हो गई है, नमाज़ वगैरह पढ़ ली, थोड़ा बच्चों को लेटा दूँ, थोड़ा खुद भी लेट जाऊँ, क्योंकि मगरिब से पहले मेरी रूटीन नहीं है कि मैं सो सकूँ। तो मैं मगरिब के बाद ही लेटती हूँ नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद, क्योंकि फिर ये भी होता है मतलब टाइम नहीं मिल पाता कि मैं इतना उस वक्त तक फारिग नहीं होती मैं कि मगरिब से पहले सो जाऊँ, मगरिब के वक्त उठ जाऊँ। तो मैं नमाज़ वगैरह पढ़ कर ही लेट कर फिर सोती हूँ। वहाँ पर भी मेरे लिए एक टारगेट होता है बच्चों को लिटाना सुलाना। इतना तंग करते हैं लेटने में कि नहीं हम नहीं सोंगे, उनकी पूरी कोशिश होती है कि टाइम गुजर जाए, मम्मा हमें ना सुलाएं। तो फाइनली यहाँ पे मैंने बच्चों को लिटा दिया था और चुपचाप मैं बाहर जा रही थी, उठ उठ के खड़े हुए जा रहे थे, लेकिन फिर मैंने व्लॉग को यहीं पर ही रोक ही दिया कि चलो अब बस ये टाइम गुजर गया। उसके बाद फिर 1.5 घंटे बाद मेरी सुबह हुई और ये आ चुके थे, मतलब ये मतलब 8:30 बजे तक आ जाते हैं, तो मतलब 1.5 घंटा या 1.25 घंटे मुझे लेटने को मिलते हैं। ये एजल के लिए डॉल लेकर आए थे जो बहुत ही क्यूट सी थी, एजल का फर्स्ट गिफ्ट था। 2 सालों में ये अब तक एजल का कोई गिफ्ट नहीं लेकर आए थे और ये आज गिफ्ट लेकर आए। तो मैंने इनको बोला था कि एजल के कोई भी खिलौने नहीं हैं, इस सबूर सफान के ही ढेर आते रहते हैं, एजल के आ ही नहीं पाते, इत्तेफाक होता है ऐसा। तो मैं नीचे उतरी तो मेरी जिठानी जो रोटी बना रही थी वो रोटी सेक रही थी। यहाँ पे सब खाने का वेट कर रहे थे क्योंकि खाना गर्म हो रहा था, दूसरी तरफ ताज़ी ताज़ी रोटियाँ सीख रही थी, सबने खाना वगैरह खा लिया, उसका मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। और आखिर में जो है दूध का नंबर था, सबके मैंने दूध निकालिए, ये फर्स्ट वाली ट्रे मेरी है, उसके बाद सभा की, उसके बाद भाभी, फिर मानो और फिर हज्जन की, तो सबके मैंने दूधों को मैंने निकाल दिया था अलग अलग ट्रो में। और ये वाला काम भी मेरा था क्योंकि ये वाला मतलब जिसने सुबह खाना बनाना होता है वही रात को दूध निकालता है सबके, मतलब सबके जो पतीलों में सबको दूध कमरों में जो जाते हैं वो एक बंदा निकालता है। खैर यहाँ पर चाय भी रेडी थी और सब चाय भी पीते हैं खाना खाने के बाद। दूसरी तरफ हो रही थी तो यहाँ पे हम सब ने अपनी देवरानी को विश किया, उसकी एनिवर्सरी लग गई थी क्योंकि 12 बज चुके थे। और ये मेरी देवरानी का रूम है, आज मैंने सोचा अपनी देवरानी के रूम का रूम टूर दे दूँ क्योंकि मेरे रूम तो आप लोगों ने कई दफ़ा देख ही चुके हैं और किसी का रूम कभी दिखाया ही नहीं। तो ये था मेरी देवरानी का बहुत ही प्यारा सा रूम, अतः उसके नसीब बहुत अच्छे करे, उसको मतलब उसका और फैसल का साथ बहुत लंबा गुजरे और खैर करियत से असलो खैरियत से बहुत अच्छे से गुजरे, तलो उन दोनों को हमेशा खुश रखे। तो ये था उसका रूम जो उसने बड़ी मेहनत से, उसने और समाविया ने मतलब मानू और समाविया ने बड़ी मेहनत से सजाया था, इसको डेकोरेट किया था, जो कि एंड में देखना बच्चों ने इसको कितना इसकी हालत बिगाड़ी थी, इसका बिल्कुल सत्यानाश करके रखा था सारे बलून्स वगैरह का, आप एंड में देखिएगा, आप पहले रूम को देखें, मेहनत बर्बाद। वॉल बनाई हुई
ये वेलवेट कपड़े वगैरह कोई स्टफ है ऐसा उसकी है। यहाँ पे फैसल ने वॉल जो बनाई हुई है ये बहुत अच्छे फैब्रिक मतलब वेलवेट टाइप कपड़ा उसकी बनाई हुई है पिक्चर्स वगैरह के लिए। और ये उसका टीवी एरिया है, मतलब एक बड़ा सा उसने रूम बनाया, उसने मतलब बहुत प्यार से बहुत ही दिल से इस रूम को डेकोर किया था। और मतलब बहुत दिल से उसने जाहिर दी, आप जो शीशे की देख रहे हैं ये कैरलिक पता नहीं शीट है किस चीज़ की अलमारी है ये पूरी कांच की। और ये बहुत ही कोई खूबसूरत रूम है उसका, कहते हैं ना उसका ख्वाबों का रूम, तो अल्लाह ताला बरतना नसीब करे। मतलब बहुत ही प्यारा उसने रूम बनाया हुआ है अपना। और ये उसने मार्बल का नीचे मतलब फर्श बनाया हुआ है, उसमें ये कोई गोल सा पता नहीं क्या बोल रहा था ये, इसको क्या होता है मुझे नहीं नाम याद भाई। तो ये उसने सब कुछ करा हुआ था, आप खुद देखें। और ये ड्रेसिंग टेबल देखें कितनी प्यारी है। यहाँ पे सब बच्चों ने जो आके उधम मचाया था खेलना, देखें आप सब बच्चों के साथ हमारे पूरे घर के बच्चे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुमान में रखे, अल्लाह ताला किसी की नज़र न लगे हमारी खुशियों को, स्पेशली जेलिस पीपल को जो बहुत ज़्यादा जलते हैं किसी की खुशियों से। ले आप लोग की बात नहीं कर रही, आप लोग जो दुआएं देते हैं वो बहुत अच्छी है, क्योंकि आप लोग भी मेरी एक फैमिली की तरह हैं। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा जलते हैं किसी की खुशियाँ नहीं देख सकते, उनको यही रहता है कि ये ऐसा क्यों कर रही है, ये वैसा क्यों है, ये क्यों इतना शो ऑफ कर रही है। तो शो ऑफ नहीं, तो इतनी भरी दुनिया में मैं आप लोगों को सिर्फ इतना दिखाना चाहती हूँ कि ऐसी भी जॉइंट फैमिलीज होती हैं जो कि बहुत घुल मिलकर बहुत अच्छे से रहती हैं। तो यहाँ पे केक कटने की तैयारी हो गई थी, तो छोटा केक भी इस वजह से भी लाया था, बड़ा केक आता है ना सब मुँह पर इतनी बुरी तरीके से मल देते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती, अपने लास्ट व्लॉग में तो देखा ही होगा जो सबूर की बर्थडे वाला व्लॉग था। तो ये जो जितने भी अफराद हैं ये सब हमारे ही फैमिली के, हम लोग एक ही घर में रहते हैं अल्लाह के फजल से, हम लोग में कोई अनबन ना हो कभी भी ज़िंदगी में, हम लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते सबकी खुशियों में खुश होकर रहें, आप लोग भी सबकी खुशियों में खुश रहें, बस किसी की नज़र ना लगे। मेरे लिए बस चेहरे में काला टीका लगा दूँ अपने ससुराल में भी, मैके हमें भी। खैर आप लोग ये देख सकते हैं हम लोग कितने अच्छे से एक दूसरे के साथ हैं। यहाँ पर महानूर सबको केक खिलाने के लिए उठी है। गिफ्ट्स हम लोग लाए नहीं थे, तो मानूर को भी और फैसल को भी हम लोग पैसे दे रहे थे अच्छे खासे, ये कह रहा था यार पैसों की ज़रूरत नहीं है मुझे, तो हमने बोला भाई देखो गिफ्ट्स तो ला नहीं पाए, तो तुम दोनों सब हम सब ने इन दोनों को पैसे दिए, तो अच्छे से एक बर्थडे पार्टी हमारी अरेंज, सॉरी एनिवर्सरी पार्टी अरेंज। और एक तो ये था मेरा आज का सुबह 9:30-10 बजे से रात को 2 बजे तक की रूटीन, जिसमें जो है 1.5 घंटे या उन्हें 2-1.5 घंटे के करीब हम लोग सिर्फ लेटे थे बैठे थे। और पूरा दिन आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से गुजरा, कि आप लोग को मतलब मैं इतना कहती हूँ आप लोग प्लीज़ इतनी मेहनत से सारी चीज़ें होती हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर दें और व्लॉग पूरा देखें बिना स्किप किए बिना देखें। आप लोग जो 10-10 सेकेंड का आगे बढ़ा बढ़ा के देखते हैं ना, तो प्लीज़ आप लोग पूरा देख लिया करें। इतनी मेहनत के बाद मतलब 4 दिन की मेहनत के बाद ये मैंने व्लॉग ऐड करा और फिर ये मतलब इसको वॉइस ओवर किया और इंशाल्लाह ताला मैं कल इसको पब्लिक कर दूंगी। तो मेरी सास ने मेरे देवर को एक बाइक गिफ्ट करी,
मतलब पेपर गिफ्ट किया कि मैं तुम्हें 125 गिफ्ट कर दूँगी, मतलब ऑन द स्पॉट तो नहीं थी, इंशाल्लाह ताला सून जो है वो बाइक लेके उनको गिफ्ट करेंगी, मतलब मेरी सास अपने बेटे को एनिवर्सरी पर। और यहाँ पे दिन का एंड हो रहा था, मैं बाहर आई 1:30-2 बजे का टाइम हो रहा था। इन्होंने बोला कि मुझे फिर से चाय पीनी है, तो मैंने दोबारा से चाय बनाई थी सबके लिए। और ये देखें चाय के कप्स, चाय मैं ऊपर लेकर जा रही थी। प्लीज़ ये नहीं बोलेगा सारा काम तुम ही करती हो, मतलब जो जिसको बोल दे उसी का ही वही काम कर रहा होता है। तो मैंने और फरहान ने खाना नहीं खाया था, तो मैं खाना भी गर्म करके लेके गई, क्योंकि मैंने आपको बताया था सुबह हमारी अनबन हो गई थी, इस वजह से हम दोनों ने खाना नहीं खाया था, क्योंकि हम लोग एक साथ ही खाना खाते हैं। तो मैं इनके लिए खाना लेके जा रही थी यहाँ। सो यहाँ मैं ऊपर आई, बच्चे फिर से मेरे रूम पे ला चुके थे, सारे फ्लावर्स हो रहे थे, बलून्स फुलाए हुए थे, लग रहा था बर्थडे मेरे ही कमरे में हो रही है। तो ये था मेरा आज का बहुत प्यारा सा व्लॉग, मेरी पूरी दिन की रूटीन। होप सो आप लोग को अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।